हेलो बच्चों, आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसका यूज़ सारे कैलकुलस में है। उसके बिना कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री के बिना कैलकुलस नहीं हो पाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आता है। हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ लिया होएगा अभी तक, ठीक है ना, बट फिर भी मैं एक बार ब्रश अप करना चाहूँगा इस टॉपिक को, सो दैट यू कैन गेट अवे, मतलब सारे के सारा एक बार एक आपकी रिविजन सी हो जाए। बेसिकली आपको पता है व्हाट इज ए एंगल। अ रोटेटिंग लाइन जनरेट्स ए एंगल। सपोज मेरे पास कोई लाइन है OA, इस लाइन को मैंने रोटेट कर दिया अबाउट द पॉइंट O। तो मान लो ये इसकी इनिशियल पोजिशन थी, इसको रोटेट करके हम यहाँ पे फाइनल पोजिशन पे ले आए, तो ये हम कहते हैं कि दिस इज़ एन एंगल जनरेटेड। यहाँ पे जो बन गया दिस इज़ द एंगल जनरेटेड। अब ये एंगल जनरेटेड पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब जैसे जो हमने रोटेशन किया था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में है देन हम बोलते हैं जो एंगल जनरेटेड है वो पॉजिटिव एंगल है। बट अगर मैं रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता, मींस इस OA लाइन को इस तरह से रोटेट करके इस पोजीशन पे ले आता, तो ये जो एंगल जनरेट होएगा दैट वुड बी ए नेगेटिव एंगल। ओके, अब कई बार ऐसा हो जाता है लाइक कि अगर मेरे पास एक लाइन है OA, मैं इसको रोटेट करके वापस इसी पोजीशन में ले आऊँ यहाँ तक, तो जो ये एंगल जनरेट होएगा दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट रोटेशन। This is called a complete rotation. And what is a right angle? A right angle means 1/4 of a complete rotation. इस complete rotation का अगर मैं 1/4 कर दूं then उसको हम बोलते हैं right angle. Is that clear? अब इसके बाद हम किसी angle को measure करने के लिए units के बारे में discuss करेंगे। आपको already पता है दो सिस्टम्स हैं यूनिट्स को मेज़र करने के लिए जो हम मेनली यूज़ करते हैं, अदरवाइज तीन सिस्टम भी है बट वो फ्रेंच सिस्टम है जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पहला सिस्टम जो डिग्रीज वाला सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts and each part is called a degree. So that one right angle means 90 degrees. But in the circular system or the radian system, one right angle will be defined as pi by 2 radians. So that one right angle is equal to 90 degrees in the sexagesimal system and one right angle is equal to pi by 2 radians in the सर्कुलर सिस्टम। सो दैट अगर मेरे को कभी इंटर कन्वर्जन करनी हो, इंटर कन्वर्जन के लिए ऑब्वियसली दोनों में मेरे को एक रिलेशन डेवलप करना चाहिए। अब 90 डिग्रीज विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस, कैन यू से दैट और नॉट? यस, बिकॉज वन राइट एंगल को एक सिस्टम ने हमने 90 डिग्री बोला है और दूसरे सिस्टम में हमने पाई बाय 2 रेडियंस बोला है, इसलिए 90 डिग्री विल ऑलवेज बी इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। मीन्स 1 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 रेडियंस एंड 1 रेडियन विल बी 180 अपॉन पाई डिग्रीज। इन दोनों रिजल्ट्स का हम यूज करके किसी भी केस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, मीन डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर मेरे को देखना है कि 30 डिग्री बताओ कितने रेडियंस है, तो उसके लिए 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाई 180 रेडियंस, तो 30 डिग्री विल बी 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, मीन्स इट इज पाई बाई 6 रेडियंस। सो दैट डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है डिग्रीज को। ओके, और इसी तरह अगर मेरे को चाहिए कि पाई बाई 4 रेडियंस कितने डिग्रीज के इक्वल है, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्रीज के इक्वल होता है, तो पाई बाई 4 विल बी पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई के साथ, यू गेट इट एज 45 डिग्रीज। ओके, सो दैट रेडियंस एंड डिग्रीज की इंटर कन्वर्जन आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अब एक इम्पॉर्टेंट
रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री में कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है हुज रेडियस इज आर, रेडियस इज आर, और इसमें कोई आर्क लेंथ है ए बी इज ए आर्क ऑफ दिस सर्कल, ए बी आर्क की लेंथ सपोज एल है, ए बी इज द आर्क अलोंग द सर्कल एंड लेट दिस आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन दिस एल विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, दिस इज ए मस्ट, जब भी आपने ये फॉर्मूला यूज करना है तो थीटा को रेडियंस में पुट करना है आपने, और कभी थीटा निकालोगे तब वो भी रेडियंस में ही आएगा। एल एंड आर के सेम लेंथ यूनिट्स होने चाहिए, सेम लेंथ यूनिट, या तो दोनों सेंटीमीटर्स में हो, या दोनों मीटर्स में हो, या दोनों किलोमीटर्स में हो, वट एवर इट इज, कि एल एंड आर के सेम लेंथ यूनिट्स होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको कन्वेक्स पॉलीगन की बात हो रही है, कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में आपको पता है क्या होती है कन्वेक्स पॉलीगन? कन्वेक्स पॉलीगन इज ए सच्चे पॉलीगन जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो, ऐसी पॉलीगन को वी कॉल ए कन्वेक्स पॉलीगन। अब किसी भी कन्वेक्स पॉलीगन की साइड्स अगर एन साइड्स हों, विद एन साइड्स, तो हम इसको एन गन बोलते हैं, एन गन मीन्स ए पॉलीगन विद एन साइड्स, ओके, सो दैट ट्राइंगल को हम थ्री गन बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को फोर गन बोल सकते हैं, लाइक इस। किसी भी एन गन का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ओके, सो दैट किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बताइए, तीनों ट्राइंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, तो एन को थ्री पुट करना पड़ेगा, एन को थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सो दैट किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के लिए एन को फोर पुट करना पड़ेगा, एन को फोर पुट किया तो टू इंटू 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री, सो दैट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इस तरह से हम किसी भी एन गन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करेगी। अब इसी तरह से किसी एन गन में सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स निकालना हो, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, दिस इज ए फिक्स क्वांटिटी बच्चों, दिस इज ऑलवेज 360 डिग्री, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 360 डिग्री। सो दैट अब हमने ये कंसेप्ट किए हैं बच्चों के एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स कौन से हम यूज़ करते हैं, उसके बाद इंटर कन्वर्जन, यूनिट्स को एक दूसरे में इंटरचेंज करना, ठीक है ना, एक रिजल्ट किया एल इज इक्वल टू आर थीटा में, ठीक है ना, वेयर आर इज़ द रेडियस, एल इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज़ द सेंट्रल एंगल, ओके, एंड द कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में हमें कुछ आइडियाज़ हुए कि कन्वेक्स पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम इतना होता है, ठीक है ना, ये कुछ कंसेप्ट हमने किया बेसिकली, इसके बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, राइट, वो एक दो क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे करेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट दिस थिंग। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इट इज ऑन योर स्क्रीन, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, के एक ऐसी ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स आर इन ए पी, ये गिवन टू यू, ए पी में अगर मैंने अज्यूम करना हो तो कैसे अज्यूम करते हैं, ए पी में अज्यूम करने के लिए लेट द एंगल्स को कैसे अज्यूम करते हैं, तीन नंबर्स इन ए पी, लेट द एंगल्स बी टेकन एज ए माइनस डी डिग्रीज, ए डिग्रीज एंड ए प्लस डी डिग्रीज, सीक्वेंस सीरीज आपने कर रखा है इसलिए वहां पे आपको ये पता है कि तीनों एंगल्स को मैंने ऐसे अज्यूम क्यों किया। अब उसके बाद
हमें जो गिवन है उसने गिवन क्या है आपको कि सॉरी ये क्वेश्चन इज चेंज्ड, जस्ट अ मिनट, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP, वो वाला क्वेश्चन मेरे को चाहिए सर, कैन यू हेल्प मी आउट? यस, लेट द एंगल्स बी ए माइनस डी डिग्रीज, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्रीज. अब किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज हाउ मच, 180 डिग्री. सो दैट तीनों का सम कितना बनेगा, 3a. देयरफॉर 3a की वैल्यू कितनी मिल गई, 180, मींस a की वैल्यू हमें 60 मिल गई. अब किसी तरह से अगर मेरे को d भी मिल जाए तो उसके बाद मैं तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर पाऊंगा. ओके, d निकालने के लिए अब उसने मेरे को एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है. क्या है वो एक्स्ट्रा कंडीशन? दैट नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, इन तीनों में से सबसे छोटा एंगल कौन है बच्चों, a माइनस डी. इसमें डिग्रीज कितने हैं, a माइनस डी, क्योंकि हमने जो एंगल्स हैं वो डिग्रीज में ही अज्यूम किया हुआ है. अब जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल इज हाउ मच, a प्लस डी डिग्री. इसको हमें चाहिए रेडियंस में, a प्लस डी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो रेशियो दी हुई है वो लीस्ट एंगल तो डिग्रीज में लेना है बट लार्जेस्ट एंगल है वो आपने रेडियंस में लेना है. तो लार्जेस्ट एंगल अब कितना हो गया, a प्लस डी डिग्रीज में है. इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई. सो दैट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, एज ए रिजल्ट ये रेशो हमें 60 अपॉन पाई के इक्वल गिवन है. इस रेशो के बाद अब इसको हम कैलकुलेशन करके वी शैल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, 3 इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 60 इंटू 60 कैंसल्स ए प्लस डी, सो दैट 3a माइनस 3d इज इक्वल टू ए प्लस डी, मीन्स 2a इज इक्वल टू 4d, मीन्स a इज इक्वल टू 2d. a हमारा 2d के इक्वल आ गया, ऑलरेडी a हमने 60 डिग्री निकाल रखा है, देयरफॉर d की वैल्यू कम्स आउट टू बी 30. सो दैट व्हाट इज योर फर्स्ट एंगल, पहला एंगल था मेरा a माइनस डी. ए कितना आया है, ए वाज 60, डी वाज 30, तो 60 माइनस 30 30 डिग्री. दूसरा एंगल a ही था 60 डिग्री, अगला एंगल a प्लस डी है, मींस 90 डिग्री. सो दैट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर गोइंग टू बी एंगल आर गोइंग टू बी 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर एज 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. ये कन्वेक्स पॉलीगन का जो अभी हमने कंसेप्ट किया था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, लेट अस ट्राई दैट. वो कहता है दो, देर आर टू रेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स ऐसे पॉलीगन जिसकी ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल. नाउ व्हाट इज, लेट आई सपोज नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट पॉलीगन बी इज इक्वल टू 5x, मैं अज्यूम कर लेता हूं, एंड इन द सेकेंड पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स को 4x अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें उनकी रेशियो गिवन है कि 5:4 की रेशियो है. अब व्हाट वुड बी द इंटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन बता सकते हो? अभी हमने किया सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बच्चों, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. सो दैट इसमें 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट. और दूसरी वाली का इंटीरियर एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगन कितना होना चाहिए, उसकी साइड्स कितनी हैं, 4x हैं, तो 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट. अब मेरे पास दोनों के इंटीरियर एंगल्स आर अवेलेबल.
मेरे पास उसने एक्स्ट्रा कंडीशन दे क्या दी हुई है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 90 डिग्री है. सो दैट फर्स्ट एंगल 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री माइनस द सेकेंड एंगल 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. इन दोनों का सम 9 डिग्री गिवन है, राइट. तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों. इजीली आप निकाल लोगे तो इट्स वैल्यू इज x इंटू 180 इज इक्वल टू 9 5x इंटू दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल माइनस नहीं एंड अनदर थिंग कि ये जो हमने अभी निकाला था 5x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इट वॉज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स बट हमें ईच इंटीरियर एंगल चाहिए था बच्चों. ईच इंटीरियर एंगल विल बी डिवाइडेड बाई 5x. इसी तरह सेकेंड वाले का ईच इंटीरियर एंगल विल बी 4x डिवाइड बाई दिस. तो दिस डिवाइडेड बाई 5x माइनस दिस डिवाइडेड बाई 4x. इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है टू गेट इट एज x की वैल्यू आपको मिल जाएगी. इस x को पुट कर देंगे तो पहली वाली जो पॉलीगन है उसकी साइड्स हमें मिल जाएंगी और दूसरी वाली पॉलीगन की साइड्स भी हमें मिल जाएंगी. इज दैट क्लियर टू यू? अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम सिस्टम. द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स देन द पॉलीगन इज वॉट ए हेक्सागन ए ऑक्टागन अ नॉनागन और ए डेकागन. आपको ये पता ही है, नाम तो आपको पता है. हेक्सागन क्या होता है बच्चों? हेक्सागन इज ए पॉलीगन विद 6 साइड्स. ऑक्टागन मीन्स अ पॉलीगन विद 8 साइड्स. नॉनागन मीन्स अ पॉलीगन विद 9 साइड्स एंड डेकागन मीन्स ए पॉलीगन विद 10 साइड्स. अब मेरे पास ये कंडीशन गिवन है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन अभी हमने किया था, हाउ मच इट इज एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ऑलवेज फिक्स्ड ही है. और ये गिवन है, ये 2 इंटू 360 के इक्वल है. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एन माइनस 2 इज इक्वल टू 4 means n is equal to 6. So that n is equal to 6. If n is equal to 6, then your polygon is going to be a hexagon. A polygon with 6 sides is called a hexagon. Another question hum lete hain. On your screen, in a circle of diameter 40 centimeters, the length of the chord is 20 centimeters. Find the length of the minor arc of the chord. ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चों. किस तरह से कर सकते हैं? वो कहता है देयर इज ए सर्कल हुज डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर. डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो इट मींस दैट रेडियस विल आल्सो बी 20 सेंटीमीटर. देयर इज ए कॉर्ड हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. देयर इज ए कॉर्ड, दिस इज ए कॉर्ड ए बी. ये इसका सेंटर था सर्कल का ओ. बिकॉज रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20, ये भी 20, और जो कॉर्ड की लेंथ गिवन है वो भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या चाहिए? ए बी आर्क की लेंथ चाहिए बच्चों. ए बी आर्क को हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी आर्क की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हमें ये सेंटर पे जो एंगल बना है वो वाला चाहिए, और ये एंगल थीटा ये होना भी किस में चाहिए? रेडियंस में. हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे अभी? एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला. बट उसके लिए मेरे को थीटा की वैल्यू इन रेडियंस रिक्वायर्ड है. अब फाइंड आउट कर सकते हो आप थीटा की वैल्यू रेडियंस में. मैंने डायग्राम शो कर ही दिया, मेरे ख्याल सबको नजर आ ही गया होएगा कि ये जो ट्राइंगल बन रही है उसकी तीनों साइड्स 20 20 20 हैं. इट मीन्स दैट इट इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री. सबको पता है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगर थीटा 60 डिग्री है, बट यहां पे एल इज इक्वल टू आर थीटा जब भी हमने यूज करना है तो उस केस में जो थीटा है वो रेडियंस में होना चाहिए. तो इस 60 डिग्री को मेरे को कन्वर्ट करना है रेडियंस में. तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से.
सो दैट दिस इज पाई बाई 3 रेडियंस। अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आर इंटू थीटा। आर इज हाउ मच? 20। थीटा इज मच? पाई बाई 3। ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर विल बी माई आंसर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी। इज दैट क्लियर टू यू? कंफर्टेबल है? एंगल यूनिट्स इंटर कन्वर्जन, एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड द कन्वेक्स पॉलीगन्स, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेन की है। वी शैल फर्दर मूव टूवर्ड्स दिस। आगे जो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है हल्का, टी रेशोज द डोमेन एंड द रेंज। टी रेशो मीन्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, सबको डेफिनेशन तो इसकी क्लियर ही होगी, ठीक है ना। कि सपोज मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल है, तो इसका मतलब इसका वन एंगल इज 90 डिग्री। दूसरे दो एक्यूट एंगल्स होंगे, उनमें से सपोज किसी भी एक एंगल को मैं थीटा बोल दूं, देन थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको हम क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। जो थीटा के साथ वाली साइड है दैट इज योर बेस, एंड जो हाइपोटेन्यूस है इसको आपने एच से डिनोट किया था, इफ यू रिमेंबर दैट। देन आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। अब साइन थीटा का डोमेन क्या है इस फंक्शन का और रेंज क्या है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? डोमेन का मीनिंग कि जब मैं साइन ऑफ समथिंग निकालूं तो जो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज, मैं ये कह रहा हूं कि साइन थीटा का डोमेन ऑल रियल नंबर है, मींस साइन हम किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का। जो थीटा है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, साइन थीटा निकल जाएगा। रेंज का मतलब कि साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पर कोई लिमिटेशन है या नहीं, तो ये है कि साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है। मीन साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 नहीं आएगी, थीटा जो मर्जी पुट कर लूं। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी, मीन साइन थीटा लाइज। इस चीज को हम बोलते हैं रेंज और इसको हम बोलते हैं डोमेन। सो दैट साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, इसका डोमेन क्या है? और रियल नंबर। डोमेन का मतलब इसमें मैं थीटा की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और रेंज मतलब कि थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है, रिजल्टिंग वैल्यू है, वो हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन रहेगी। इसी तरह से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, कॉस थीटा यू नो इज इक्वल टू बी अपॉन एच, इसका डोमेन भी और रियल नंबर होता है बच्चों, एंड रेंज आल्सो इज -1 से लेके 1 के इन बिटवीन हमेशा। द अदर टी रेशियोज टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वली होती है, इट्स वैल्यू इज पी अपॉन बी, ठीक है ना। इसका जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। मींस मैं 1 × 90 डिग्री या 3 × 90 डिग्री ऐसे एंगल का टैन नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। 1 × 90 डिग्री, 3 × 90 डिग्री या 5 × 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, वो टैन थीटा के डोमेन में नहीं आएंगे। टेन थीटा की जो रेंज है दैट इज आर, मींस टेन थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक कोई भी रियल नंबर हो सकती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है टेन थीटा। सिमिलरली द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, कोसिकेन थीटा आपको क्या है? 1 upon sin θ के इक्वल होता है, ठीक है ना। सिमिलरली सीकेंड थीटा, कोसिकेन थीटा का जो डोमेन एंड रेंज बता दो बच्चों। डोमेन कोसिकेन थीटा का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियंस। और कोसिकेंट थीटा की जो रेंज है वो या तो -∞ to -1 के बीच में लाई करेगा, या 1 से लेके ∞। मींस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कभी -1 और 1 के इन बिटवीन कभी भी नहीं आ सकती। सिमिलरली सिकेंट थीटा इज 1 upon cos θ,
इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, और इसकी रेंज है सेम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और वन टू इन्फिनिटी. कॉट ऑफ थीटा, कॉट थीटा इज टेन थीटा का रेसिप्रोकल, इट्स वैल्यू इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसका जो डोमेन है वो सेम ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू एंड रेंज, रेंज इज ऑल रियल नंबर मीन्स कॉट थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है. सो दैट छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनके बारे में आपको पता लग गया. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को लेके हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, द सिकेंड और कोसिकेंड थीटा को किस तरह से डिफाइन करते हैं, डोमेन उनके क्या क्या हैं, को डोमेन और रेंज उनके क्या क्या है. डोमेन का मतलब कि हम कौन से एंगल्स का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. साइन थीटा का डोमेन हमने बोला ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब साइन थीटा मैं किसी भी एंगल का साइन निकाल सकता हूँ. टेन थीटा का डोमेन हम बोल रहे हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू है, तो इसका मतलब मैं 90 डिग्री का टेन नहीं निकाल सकता या 3 × 90 डिग्री का टेन नहीं निकाल सकता. इस तरह से आई होप कि आपको डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट क्लियर है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 × 6 का डोमेन एज वेल एज रेंज. उसके बाद वी मूव फर्दर द बेसिक आइडेंटिटीज. बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता है अभी हमने किया था कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू इज 1 upon sin theta, इसलिए sin theta into cosecant theta can be written as sin theta into cosecant theta can be written as equal to 1. Similarly, cos theta into secant theta is 1, tan theta into cot theta is equal to 1. ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको बताई हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है. इसका यूज़ करके मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, मीन्स सिकेंड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है, मीन्स कोसिकेंड स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा. राइट, नाउ द नेक्स्ट आपने ये भी किया हुआ है बच्चों कि इसके बाद जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनकी टी रेशियोज याद हैं आपको, आई थिंक ये तो रट्टी पड़ी होंगी आप सबके, ठीक है ना, कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से आप लेते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री. राइट, इन सब का साइन कॉस एटसेट्रा. रेडियंस में पता ही है, 0 डिग्रीज हाउ मैनी रेडियंस, 0 रेडियंस. 30 डिग्री कितना होता है, कन्वर्ट करना आपको आता है, 30 डिग्रीज पाई बाई 6, 45 डिग्रीज पाई बाई 4 रेडियंस, क्योंकि आप मोस्टली हम रेडियंस में ही क्वेश्चन को करते हैं, इसलिए आपको रेडियंस के बारे में कंफर्टेबल होना चाहिए. पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 135 इज 3 पाई बाई 4, 150 इज 5 पाई बाई 6 रेडियंस एंड 180 इज पाई रेडियंस. इनका साइन, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, साइन पाई बाई 6 इज 1/2, दिस इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, 120 इज अगेन √3/2, 135 इज अगेन 1/√2, देन इट इज 1/2 एंड साइन पाई इज जीरो. सिमिलरली कॉस के रिगार्डिंग, कॉस ऑफ जीरो इज ऑलवेज 1, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2, 1/4, एंड दिस इज 1/2, कॉस 90 इज 0, कॉस 120, कॉस 120 यू नो, कॉस 120 इज -1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है,
कॉस ऑफ 135 इज माइनस 1 बाई रूट 2, दिस इज माइनस रूट 3 बाई 2 एंड कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है। इसके बाद आप सारे के सारे, अगर मैं टेन 45 डिग्री चाहिए तो साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 करके आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई थिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो, बेसिक राइट। अगर चाहिए तो टेन का भी आप टेबल बना सकते हो, कॉट का भी बना सकते हो, सीकेंड का भी बना सकते हो, कोसीकेंड का भी बना सकते हो। आपने याद रखने हैं ये सारे के सारे एंगल्स। साइंस ऑफ टी रेशोज एक नया कंसेप्ट है, साइंस ऑफ टी रेशोज। आपको ये पता है कि देर आर फोर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, थर्ड एंड फोर्थ। कोई भी एंगल है, हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो। जैसे 60 डिग्री है, यहां से आपने रोटेशन शुरू करना है ओ ए से, तो 60 डिग्री कहां पे आके रुक जाएगा, यहीं पे आके रुक जाएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ। तो हम बोलेंगे कि 60 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर 120 डिग्री की बात करें, यहां से अगर घूमना शुरू करेंगे 120 डिग्री तक, तो हम यहां पे आके रुकेंगे तो हम बोलेंगे 120 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। माइनस 30 डिग्री बताइए, माइनस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब एंगल नेगेटिव कब होता है, जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो। तो इसका मतलब यहां से मेरे को क्लॉकवाइज 30 डिग्री जाना है, तो किस क्वाड्रेंट में रहा मैं, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए हम बोलेंगे कि माइनस 30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सो दैट हम किसी भी एंगल को चेक कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसी पे डिपेंड करेगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल टर्मिनेट होता है बच्चों, तो यहां पे ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल टर्मिनेट होता है तो साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस एंड ओके देन टेन एंड कॉट एंड फोर्थ वाले में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये ध्यान रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन एंड कोसिकेंड आर पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड फोर्थ वाले में कॉस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो एलाइड एंगल्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, वी शैल कंटिन्यू विद दिस। ओके। सो दैट अब हम एलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने चाहेंगे बच्चों। एलाइड एंगल्स मींस कोई भी एंगल, जो अभी तक जो हमने वैल्यूज नोट की हुई हैं वो एक्यूट एंगल्स की, जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की कर रखे हैं, बट अगर एंगल चेंज हो जाए तब हम अपनी टी रेशियोज कैसे निकालेंगे। सिंपल सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ भी, मैंने आपसे पूछा साइन ऑफ 930 डिग्री कितना होएगा, ओके जब मैं बोल रहा हूँ कॉस ऑफ 15 पाई बाई 4 बताइए जी कितना होएगा। अगर ऐसे जिस तरह से आप ऑलवेज करते हो कि साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये कितना होएगा, इस टाइप की सिचुएशन से निकलने के लिए हम अपना एक स्टैंडर्ड वे यूज़ करेंगे, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा यूज़ होता रहता है। उसके लिए बच्चों एक हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को लिखते हैं। जैसे अब मेरे पास था एंगल 930 डिग्री, इस एंगल को आपने इस फॉर्म में लिखना है, एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस एल्फा, वेयर एल्फा इज सम एक्यूट एंगल, वेयर एल्फा इज एन एक्यूट एंगल। किसी भी एंगल को, जैसे इस केस में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 930 इसको 10 इंटू 90 900 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम 930 डिग्री को, राइट। सो दैट किसी भी एंगल को इस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा। जैसे 480 डिग्री है, 480 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 90 प्लस 30, राइट।
इसी तरह रेडियंस में कर सकते हो, 7π/3, 7π/3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू 90। अब 90 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, π/2। सो दैट अब मेरे को इसको किस फॉर्म में लिखना है, एन इंटू π/2 प्लस माइनस अल्फा, इस फॉर्म में लिखने की ट्राई करनी है बच्चों, 7π/3 एंड सो ऑन। अब इसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है, ये 7π/3 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो 3 के मल्टीपल्स देखो 7 के आसपास कौन से हैं। 3 का मल्टीपल एक 6 होता है या 9 होता है, 7 के जो नियर है कौन है, 6। तो 7π को मैं लिख लूंगा 6π+π डिवाइडेड बाई 3, इसको सेपरेट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2π+π/3, राइट। तो 7π/3 को हमने लिख लिया 2π+π/3। मैंने किस फॉर्म में लिखना है इसको, एन इंटू π/2। अब यहां पे तो सिर्फ पाई है, पाई बाई टू साथ में नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × π/2 + π/3। इस तरह से हम इस एंगल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट कोई भी एंगल चाहे वो डिग्रीज में हो चाहे वो रेडियंस में हो, आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की पोजिशन में हो, लाइक 15 या 15π/4। इसको देखते हैं बच्चों, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 के आसपास 4 के मल्टीपल कौन है, 16 या 20, राइट, 16 या 12, और नियरर कौन है, 16, तो 15π को मैं लिख लूंगा 16π − 1π / 4, तो इट इज इक्वल टू 4π − π/4। π/2 हमें क्रिएट करना है तो 8π/2 − π/4। आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो गई है कि किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखना है, चाहे वो एंगल डिग्रीज में हो चाहे वो एंगल रेडियंस में हो। अब हम अलाइड एंगल्स की टी रेशोस मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकालने का वे सीखेंगे, एक रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे टू गेट दिस। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जिस एंगल की भी टी रेशो हमें निकालने को बोल दो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद आपने ये देखना है बच्चों कि अगर तो एन इवन है तो टी रेशो विल रिमेन द सेम, टी रेशो रिमेन्स द सेम, मतलब अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, टैन है तो वो टैन ही रहेगा, बट अगर एन ऑड हुआ इन दैट केस साइन विल चेंज टू कॉस एंड कॉस विल चेंज टू साइन, टेंजेंट विल चेंज टू कॉट, कॉट विल चेंज टू टेन, सीकेंट विल चेंज टू कोसीकेंट एंड कोसीकेंट विल चेंज टू सीकेंट, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होएगा उसमें आपने साइन उसका फिक्स करना है, फिक्स द प्रॉपर साइन, वो डिपेंड करेगा कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में है, और वो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसिकेंट होता है, थर्ड में टेंजेंट एंड कॉट, और फोर्थ में कॉस एंड सिकेंट, राइट। इसका हम यूज करके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था साइन 930 डिग्री निकालना है बच्चों। साइन 930 के लिए स्टेप नंबर 1 क्या था कि इस एंगल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, क्या था, 10 × 90° + 30°, राइट। अब n के बारे में नोटिस करो, n क्या है, इवन या ऑड, यहां पे n की वैल्यू 10 आ रही है तो इसका मतलब n इज व्हाट, इवन। तो अगर n इवन है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, इस चीज को हटा दो सारी चीज को, सिर्फ इस चीज का साइन बच जाएगा, साइन ऑफ 30°, इस चीज को खत्म कर देंगे हम, साइन 30°। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें साइन के बारे में सोचना है, उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 930° है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 930° एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, चेक करते हैं बच्चों। यहां से आपने रोटेशन शुरू करना है, हमेशा एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन शुरू करना है और 10 क्वाड्रेंट्स पूरे करने हैं, है ना, एक चक्कर में 4 हो गए, 5, 6, 8 हो गए, ये 9th और ये 10th प्लस समथिंग, प्लस समथिंग मीन यू आर इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो 930° किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए हम यहां पे माइनस का साइन लगा देंगे, सो द साइन 930° की वैल्यू कितनी होगी, माइनस साइन ऑफ 30°, साइन 30° आपको याद है
1 बाई टू होता है, देयरफॉर साइन 930 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से अगर हम इसकी देखें, टेंजेंट 15 पाई बाई 4, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा था अभी एंगल को, दिस कम्स आउट टू बी 8 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, राइट। तो n की जगह क्या आ रहा है बच्चों, 8 इवन है तो tan का तो क्या रहेगा, tan ही रहेगा। tan इस चीज को हटा दो, ये माइनस भी हटा देना है, सिर्फ tan पाई बाई 4, ओके। tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मीन्स अब क्वाड्रेंट कौन सा है, 15 पाई बाई 4, 15 पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, 8 नाइन्टीज पूरे करने हैं आपने, 4 8 माइनस समथिंग मींस थोड़ा सा वापस आ जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट रह गया, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम यहां पे माइनस का साइन पुट कर देंगे, ओके। कॉस ऑफ 7 पाई बाई 3 अभी हमने निकाला था, इसके लिए क्या किया आपने, 7 पाई 3 का मल्टीपल इसको क्या लिया था हमने, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स इट्स वैल्यू इज कॉस ऑफ 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, राइट। कॉस का क्या रहेगा, कॉस, क्योंकि n इवन है, पाई बाई 3, ओके। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये, 4 नाइन्टीज पूरे किए, 4 प्लस समथिंग मीन्स यू आर इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, देयरफॉर यहां पे आप पॉजिटिव का साइन पुट अप कर दोगे। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अब मेरे को चाहिए सपोज कॉस ऑफ 300 डिग्री चाहिए, कॉस ऑफ 300 डिग्री, उसके लिए व्हाट टू डू, मैं इसको लिख लेता हूँ 3 इंटू 90 प्लस 30, ओके। तो n कितना है, 3, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, साइन ऑफ 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, 3 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री करके, विच क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 190, 290, 390 प्लस समथिंग, यू आर इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, इसलिए यहां पे प्लस का साइन लगा देंगे, तो इट्स वैल्यू विल बी 1/2। सो दैट इस तरीके से आप किसी भी एंगल की कोई भी टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक टाइम क्योंकि कम है बच्चों, ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकता, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करो घर पे जाके, ठीक है ना। इसी तरह से अब ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 5, क्योंकि 5 पाई बाई 2 है, तो n की जगह क्या आ रहा है, 5, तो cos का क्या बन जाएगा, sin, sin। क्वाड्रेंट कौन सा ये, क्वाड्रेंट कौन सा है, 5 नाइन्टीज पूरे करने हैं, 4 प्लस 1 5, माइनस थीटा है तो वापस आगे, वापस आगे तो कौन सा क्वाड्रेंट रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहां पे प्लस का साइन थीटा, राइट। सिमिलरली मेरे को चाहिए टेंजेंट ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, इसमें देखना n क्या है, इसमें n क्या है बच्चों, 3, नो, n इज नॉट 3 हियर, क्योंकि हमें यहां पे पाई बाई 2 चाहिए होता है, तो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 6 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। तो n की वैल्यू बेसिकली क्या है, यहां पे 6 है, तो n इज ए इवन नंबर, तो tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा, टेन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 6 नाइन्टीज माइनस थीटा, 4 5 6 माइनस समथिंग मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस टेन थीटा, राइट। इसी तरह अगर सिर्फ एंगल नेगेटिव है, साइन ऑफ माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, इसको आप सोच सकते हो भी ये 360 माइनस थीटा है, एक तरह का वही रूल अप्लाई कर देना 360 माइनस थीटा करके, तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा, एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा, एंड कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। बट अगर हम कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करें,
तो वो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी सिंपली टेकन एज कॉस ऑफ थीटा एंड सीकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा, राइट। तो इस तरह से ये हमारी बेसिक अलाइड एंगल्स हैं जिससे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हैंडल करने की पोजीशन में होंगे जिसमें हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे जो अब तक आपने कंसेप्ट किए। मैं रिवाइज करवाता हूँ, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन किया बच्चों, फिर उनके डोमेन एंड रेंजेस की बात की, फिर बेसिक आइडेंटिटीज़ एंड देन टी रेशियोज़ ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स याद किए और अब एलाइड एंगल्स को डिस्कस किया, राइट। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके बेसिस पे। सिंपल क्वेश्चन है अलाइड एंगल्स के बेसिस पे आपकी स्क्रीन पे। प्रूव दिस थिंग दैट सेकेंट ऑफ 3π/2 माइनस ए सेकेंट ऑफ π/2 माइनस ए माइनस दिस इज इक्वल टू 0, एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें तीन चार एंगल्स हैं, हमें इन सबको फाइंड आउट करना है बच्चों इंडिविजुअली। सीकेंट 3π/2 माइनस ए की वैल्यू बता सकते हो अभी जो अपने रूल्स किए एलाइड एंगल्स के। पाई बाई टू पड़ा हुआ है, इसका मल्टीपल कौन है 3, तो एन की वैल्यू 3 है। सीकेंट विल चेंज टू कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ ए क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस ए 390s माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस को सीकेंट ए, राइट। सिमिलरली सीकेंट ऑफ π/2 माइनस ए, इसकी वैल्यू बोलो। यहाँ π/2 का जो मल्टीपल एन कौन है 1 है, 1 इज ऑड, तो सीकेंट का क्या बन जाएगा कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ ए क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू प्लस कोसीकेंट ए। सिमिलरली अगली टर्म है टेंजेंट 3π/2 माइनस ए, टेंजेंट 3π/2 माइनस ए, इट्स वैल्यू देखो एन फिर 3 आ गया तो टेन का क्या बन जाएगा कॉट, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉट ए। सिमिलरली टेंजेंट π/2 प्लस ए, इसकी वैल्यू आप सेम रूल अप्लाई करके देखोगे बच्चों तो माइनस कॉट ए आ जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, कितनी बन गई लेफ्ट हैंड साइड माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये टर्म इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको आप आइडेंटिफाई करते हो बच्चों, हाउ मच इट इज कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज हाउ मच 1, आज ही हमने किया है माइनस 1, सो दैट माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच प्रूव्स दर आर एच एस, इज दैट क्लियर। सॉल्यूशन देख सकते हो आप प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कॉस ऑफ 1 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 179 डिग्री तक आपने जाना है, क्या होएगी इसकी वैल्यू बता सकते हो, किस तरह से कैलकुलेट करूं। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कॉस ऑफ, दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, कोई सॉल्व नहीं करना, इट इज ए वन लाइनर, आप देख सकते हो। नोटिस करो कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री से कॉस 179 डिग्री तक जाना है, तो रास्ते में कभी कॉस 90 डिग्री तो आएगा ही ना ऑब्वियसली, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, इसलिए अगर कॉस 90 डिग्री बीच में आ गया, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो एक भी 0 आ गई तो बाकी तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाना है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट साइन ऑफ 120 डिग्री कॉस ऑफ 150 माइनस कॉस ऑफ 240 इंटू साइन ऑफ 330 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है,
निकाल पाओगे आप किस तरह से, कोई आइडिया दीजिए। सारी वैल्यूज पता हैं आपको, ठीक है ना। साइन 120 निकालना हो तो साइन 120 डिग्री क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री लिख लूँ। एन कितना है, 1 इंटू 90, तो एन इज ऑड, देयरफॉर इट विल बिकम कॉस 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी प्लस कॉस 30। प्लस कॉस 30 आपको पता है बच्चों, दिस इज रूट 3/2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ 150 डिग्री, हाउ मच इट इज कॉस ऑफ 150 डिग्री, इट इज 1 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। कॉस विल बिकम साइन, साइन ऑफ 60 डिग्री। क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 इज माइनस अंडर रूट 3/2, राइट। सिमिलरली द अदर वैल्यूज, कॉस ऑफ 160, कॉस ऑफ 240 डिग्री, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, कॉस ऑफ 240 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 60, 2 इंटू 180 डिग्री है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। क्वाड्रेंट कौन सा है ये, 180 प्लस 60 डिग्री, इट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस 60, मींस इट्स वैल्यू इज माइनस 1/2। अगली टर्म है जो, दैट इज अगली टर्म थी कॉस ऑफ 330 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू वाज साइन ऑफ 330 डिग्री, इसकी भी वैल्यू चाहिए। बोलो बच्चों कैसे निकाल लें इसको, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन ऑफ 330 डिग्री को साइन ऑफ 4 इंटू 90 माइनस 30, साइन विल रिमेन एज साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, वहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस 1/2, राइट। सो दैट जो भी हमने वैल्यूज निकाल ली वो सारी एज इट इज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप यू कैन डू दैट, सो सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है अब आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। कैसे कर सकते हो, आपको ये पता है ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ओके। और वी कैन राइट इट आल्सो एज इक्वल टू आल्सो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 AB इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं बच्चों। ये ए प्लस बी क्यू के फॉर्मूले को लिखोगे तो उससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू की फैक्टराइजेशन करनी हो तो इससे कर सकते हो, और अगर इस वे में लिखना तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसमें जो टर्म है साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा, इसको नोटिस करो कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ, एंड कॉस रेज टू पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, राइट। तो इट बिकम्स ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ये लगा दो, इस पर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट। साइन रेज टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1, तो 1 माइनस हाउ मच इट इज, ये भी अंदर ब्रैकेट 1 होगी, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसका मतलब इस पे अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इस टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी,
वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस टर्म कैंसल्स, तो वी आर लेफ्ट विद वन ओनली. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों. This is the next question. For x belonging to R, when x is any real number means, तो हमें 3 cos of 4x minus 5 plus 4 lies in which interval? ये हमने बताना है उसको. 3 cos of 4x minus 5 plus 4 इसका interval मेरे को find out करके देना है. How to do that? अभी हमने किया था बच्चों कि cos of theta की वैल्यू ऑलवेज किस में लाई करती है? माइनस वन टू वन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. थीटा जो मर्जी हो, कॉस थीटा हमेशा माइनस वन टू वन में लाई करता है. अब यहां पे कॉस थीटा नहीं है बट कॉस ऑफ फोर एक्स माइनस फाइव है, तो इसकी वैल्यू किस में लाई करेगी बताओ? विल इट अगेन लाई बिटवीन माइनस वन टू वन? यस, बिकॉज एंगल जो मर्जी हो, किसी भी चीज का कॉस है वो माइनस वन और वन के इन बिटवीन लाई करता है. इसलिए कॉस ऑफ फोर एक्स माइनस फाइव भी माइनस वन और वन के इन बिटवीन ही लाई करेगा. अब अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, थ्री कॉस ऑफ फोर एक्स माइनस फाइव, इट विल लाई बिटवीन वॉट? माइनस थ्री से लेके प्लस थ्री तक. अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 लेस देन और इक्वल टू 3 कॉस ऑफ 4x माइनस 5 प्लस 4. इट्स वैल्यू इज 3 प्लस 4 मीन्स 7. सो दैट इस चीज की वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 टू 7. माई आंसर बिकम्स ए. इट विल लाई इन द इंटरवल 1 टू 7. इज दैट क्लियर? ये बेसिकली डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से हमने इसको पिक किया. अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं बच्चों जो सबने आप लोगों ने किए हुए हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है ना? उनको मैं लिखवाऊंगा तो नहीं, बस आप नोट कर सकते हो अगर चाहो तो फ्रॉम द स्क्रीन, जब वैसे आपके रिकॉल हो ही जाएंगे आपके माइंड में कि ये फॉर्मूलेज आपने किए हुए हैं. सबसे पहले सम एंड डिफरेंस. ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, यू रिमेंबर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना? साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है. सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस. आई होप कि आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर ऑलरेडी आपने किए हुए हैं तो जस्ट अपने माइंड में इनको रिकॉल कर लीजिए. सिमिलरली व्हाट वुड बी टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, याद है आपको बच्चों? टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, इट वॉज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी. एंड कॉट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. अगर टेंजेंट ए माइनस बी रिक्वायर्ड होता तो यहां इस प्लस की जगह माइनस हो जाना था और इसकी जगह प्लस. बच्चों सिमिलरली यहां कॉट ऑफ ए माइनस बी होता तो यहां पे प्लस, ठीक है ना, और यहां पे माइनस. That you can do. Next formula शायद आपको वो भी याद होते होंगे, मल्टीपल एंगल्स. मल्टीपल एंगल्स मीन्स साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा, इस टाइप की वैल्यूज, ठीक है ना, ये भी आपको आती होंगी. मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको एक बार. साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, सिमिलरली कॉस टू थीटा को हम तीन वेज में लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा. साइन टू थीटा को हमने इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा भी लिखा था बच्चों. साइन टू थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा कितनी होती है? टू टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इज दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इससे कॉस थीटा की वैल्यू के 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। सिमिलरली साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूलेज बहुत यूजफुल हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में इनका, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। नाउ टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नोट कर लो साइन 2 थीटा में ये नीचे प्लस होता है बट टेन 2 थीटा में ये नीचे माइनस होता है। सिमिलरली 3 थीटा के फॉर्मूलेज, 3 थीटा के फॉर्मूले साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेंजेंट 3 थीटा इज बोलो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। टेन 3 थीटा का ये फॉर्मूला, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में जिस तरह से भी आते हैं। यू शुड बी कंफर्टेबल, इनको आपको प्रॉपर अच्छी तरह से बाय हर्ट रिमेंबर होने चाहिए, सो दैट टाइम भी बचाना है आपने, तो उसी टाइम को सेविंग करते हुए क्वेश्चंस को फास्ट फास्ट आप आईआईटी जेई में कर पाओ। नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूलेज हैं जिनको नॉर्मली हम सीडी फॉर्मूले या एबी फॉर्मूले जो कहते थे, याद दिला रहा हूँ आपको। पहला फॉर्मूला कि साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है, साइन सी प्लस साइन डी इट्स वैल्यू इज 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। याद आया, इस तरह के चार फॉर्मूलेज होते थे। इनको मैंने क्या लिख रहा है, सम इंटू प्रोडक्ट्स। यहाँ नोटिस करो लेफ्ट हैंड साइड पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या है, सम है, बट राइट हैंड साइड पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फॉर्मूले हम तब यूज़ करेंगे जब हमें सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े किसी क्वेश्चन में, ओके। और इसी तरह इसका मतलब फिर आप समझिएगा, जब हमने कभी रिवर्स प्रोसेस करना हो, प्रोडक्ट से सम में आना हो, तो मैं ये दूसरे वाले फॉर्मूले यूज़ करूँगा। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू दिस, इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दिस इज टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 होता है एंड दूसरा एंगल फिर साइन हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। द नेक्स्ट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, राइट। तो इन फॉर्मूलेज को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं या कोई ना कोई गलती कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज़ों के लिए हमने एक की बनाई होती है, राइट, कि जैसे पहले वाला फॉर्मूला क्या है, साइन प्लस साइन है, उसको हम बोलते हैं एस प्लस एस, तो एस प्लस एस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 एस सी। मतलब ये एंगल अगर सी है, ये एंगल डी है, तो ये साइन किसका होएगा, सी प्लस डी बाई 2 का, ये अंडरस्टूड है। इसी तरह ये कॉस किसका होएगा, सी माइनस डी बाई 2 का, अंडरस्टूड है। एस प्लस एस इज इक्वल टू, दूसरे की क्या बन गई, एस माइनस एस इज इक्वल टू 2 सी एस, ओके। सिमिलरली सी प्लस सी विल बी 2 सी सी एंड सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 एस एस। आप इस की के साथ याद रखोगे तो कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। एस प्लस एस मीन्स 2 एस सी, एस माइनस एस इज 2 सी एस एंड सी प्लस सी इज 2 सी सी एंड सी माइनस सी इज माइनस 2 एस एस, ओके। इसी की का यूज करके अब हम दूसरे फॉर्मूले भी करेंगे जब प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी,
इसको कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट है इसको सम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, 2SC है ना, 2SC का फॉर्मूला क्या है, S प्लस S, तो इट्स वैल्यू विल बी साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B, राइट। ध्यान रखना कि यहां ए बी फॉर्मूले लिखाते वक्त डिवाइड बाय टू नहीं करना, यहां सी डी फॉर्मूले में तो डिवाइड बाय टू कर रहे थे ना हम, यहां पे नहीं करना। इसी तरह अगला फॉर्मूला क्या होएगा, 2 कॉस ए साइन बी मींस 2 CS, 2 CS किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन माइनस साइन, तो इट्स वैल्यू विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी तरह से आप बाकी के दोनों फॉर्मूलेज भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला 2 cos A cos B, तो ऑल दीज फॉर्मूलेज दे शुड बी लर्नड बाय यूजिंग दिस की ओनली, S प्लस S इज 2SC। इससे आपके ये आठों के आठों फॉर्मूलाइज क्लियर हो जाएंगे, आठों फॉर्मूलाइज आपके इससे क्लियर हो जाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, साइन ए कॉस ए टेंजेंट ए दे आर इन GP, ये अगर GP में है तो क्या कंडीशन होती है, कोई भी GP कब बनती है, जब मिडिल टर्म का सम कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू टेन ए। ए बी सी GP में कब होते हैं, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, इस चीज को हमने यूज किया है बच्चों यहां पे। तो कॉस स्क्वेयर ए विल बी साइन ए इंटू टेन ए, इसको कन्वर्ट करते हैं तो कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू, इसको लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो इट बिकम्स कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए, राइट। तो डिवाइड बाई साइन क्यूब कर दें तो कॉट क्यूब ए इज इक्वल टू कोसिकेंड ए आ जाएगा, दोनों तरफ साइन क्यूब ए से डिवाइड कर दिया तो कॉट क्यूब ए इज इक्वल टू कोसिकेंड ए के इक्वल आ गया। तो अब हम ये क्वेश्चन, कॉट रेज टू पावर 6 से फिर किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंड ए द स्क्वायर मीन्स कोसिकेंड स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों कॉट रेज टू पावर 6 ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मीन्स कोसिकेंड स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए, इट्स वैल्यू हमें पता है इट इज इक्वल टू 1। ओके, इट फिनिशेज आर टॉपिक टुडे, ठीक है ना। होप कि आपने वो जो असाइनमेंट्स में हमने अपलोड की हुई हैं उसके क्वेश्चंस रेगुलरली करते रहना, और उसके कोई डाउट्स हैं तो आपने डू कॉन्टेक्ट अस प्लीज। ओके, थैंक यू।